मछलियों और डालते हैं और वही पानी में पीते हैं। कहीं ना कहीं वो पानी धीरे धीरे जो स्तर हमारा घट रहा है, ये पानी की व्यवस्था अगर हम इकट्ठा कर लेंगे और उसको जो है जी यहाँ पे जैसा कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी ये जल संचय जीवन संचय अभियान चलाया गया है, इसके तहत हम आज इस 96 ब्लॉक के विसाहड़ा ग्राम सभा के विसाहड़ा तालाब पे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे सभी ग्रामवासियों द्वारा और जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारा ग्रामवासियों को संबोधित पत्र भेजा गया है उसको पढ़ करके सभी ग्रामवासियों को सुनाया गया है और सभी ग्रामवासियों से निवेदन किया गया है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को, उनके उद्देश्यों को और उसकी पूर्ति के लिए पूरे तन मन से सहयोग करें और जो भी हो सकता है यथासंभव अपने अपने जो भी क्षेत्र हैं, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बागान हो या कोई गाँव हो, शहर हो, गली हो, वहाँ भी जितना हो सके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जल का संचय करें और उसका संरक्षण करें, क्योंकि आने वाले समय की समस्याओं में देखते हुए सबसे अहम समस्या हमारे देश के सामने होगी, हमारे देशवासियों के सामने जो होगी वो जल की होगी, पीने के पानी की उपलब्धता की होगी। तो यदि हम आज के समय से ही जल संरक्षण करना शुरू कर देंगे, इन तालाबों का निर्माण शुरू कर देंगे, जीर्णोद्धार शुरू कर देंगे, उनका बना करके उनमें जल संचय करेंगे, जल भराव करेंगे, तो उससे बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा जल स्तर दिन प्रतिदिन कम हो रहा है उस जल स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही साथ यदि दूसरा दृष्टिकोण देखें तो जो रोज़गार की समस्या है जो हमारे सामने आने वाली है उसमें भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हमारे जो भी नौजवान युवक हैं इस तालाबों का मत्स्य पालन करके वो प्रतिवर्ष जो है 5 से 6 लाख रुपए की अपनी आय और आमदनी कर सकते हैं और इससे उनको एक स्वरोजगार का बहुत अच्छा साधन उपलब्ध होगा। जी ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चिट्ठी है, उनका जो पत्र है, उनका संदेश है, प्रत्येक ग्राम सभा में आज के दिन सभी ग्राम प्रधानों द्वारा पढ़ करके सुनाना है और इस कार्यक्रम की शुरुआत आज सुबह प्रातः 6 बजे से सभी पूरे हिंदुस्तान के ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। यहाँ भी इसी क्रम में यहाँ भी ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। माननीय हमारे प्रधान जी ने जो है उसको पढ़ करके सुनाया और सभी ग्रामवासियों को उसकी शपथ भी दिलाई है वो यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण करेंगे। आज आपका गांव सबसे पहले चयन हुआ है प्रधानमंत्री के पद को संदेश को सुनाने के लिए, कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या मकसद है? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जल संचय के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक अच्छा सोच रखा है और इससे हमारे देश में बहुत बड़ा जल संचय होगा और हमारे अधिकारी अभी अपर मत्स्य निदेशक जी आए हैं जो हमको वो पत्र दिए, हमने अपने पूरे मजदूरों को सुनाया है नरेगा के और ग्राम सभा वासियों को भी बताया है कि जल का संचयन करें और तमाम बिंदुओं पे बताया गया है कि ऐसे ऐसे बिंदु पर आप जल संचयन करें ताकि कल हमारे लिए जल का संकट न बने और खेत में, तालाब में, कुआं में, हर जगह उसको संरक्षित करें और जल का कम से कम जायज उपयोग करें, नाजायज उपयोग न करें जिससे हमारे ऊपर जल का खतरा बना रहे। माटी नहीं उठाता प्रधान सर, इधर भी देखिए सर, अब इधर ही देखिए।